तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछा, ऑफलाइन बैचेस में भी लोगों ने हमसे पूछा कि सर कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर हम पढ़ें तो 100% चांसेस है कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा पॉलिटेक्निक में। तो वो इसके लिए हमने ये वीडियो प्लान किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, उस केस में आप लोग इन कॉलेज को अगर सेलेक्ट करते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन होता है, देन आपका 100% प्लेसमेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो आइए हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। ये कहां पर है, कैसे है, गर्ल्स के लिए है कि बॉयज़ के लिए है, ठीक है, सारी बातें यहां पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, ये जो 10 टॉप कॉलेजेस हैं इनको आप पाना चाहते हैं तो आप 300+ मार्क्स का टारगेट लेकर के चलेंगे। और टारगेट लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स तो बहुत ही ईजी है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 300 मार्क्स पाना। बस आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैंने इसके पहले और भी कई सारी हेल्पफुल वीडियोस बना रखा है, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमने कॉलेज को कैटेगराइज किया है दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट एंड रैंकिंग। कॉलेज की जो रैंकिंग होती है उसके बेसिस पे और प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट अगर जो कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो वो सबसे अच्छा है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या भाई जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, डिप्लोमा लेने जा रहे हैं, उनका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमको प्लेसमेंट मिले, अच्छी कंपनी में जॉब मिले जिससे हम लोग अच्छी अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें, ठीक है। इसलिए यहां पर प्लेसमेंट के बेसिस पे यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलेज जो है, फर्स्ट रैंक पे जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ इस समय क्या विगत कई वर्षों से ये फर्स्ट रैंक पे चल रहा है, ठीक है। सेकंड रैंक पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जो कानपुर में है, सेकंड रैंकिंग इसकी है। थर्ड रैंक पे है गवर्नमेंट जीबी पंत कॉलेज लखनऊ, ये भी लखनऊ में ही है, ये कभी कभी सेकंड रैंक पे भी आ जाता है, सेकंड थर्ड इसकी कैटेगरी इस तरीके से बनी रहती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फोर्थ कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, गवर्नमेंट है, ठीक है, यहां भी अच्छी व्यवस्था है, ये फोर्थ नंबर पे आता है। फिफ्थ है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, ये गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद फिर अगला है सिक्स वाला अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा में स्थित है, ये ठीक है, ये भी गवर्नमेंट है। और उसके बाद सेवन्थ नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, बांदा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। यहाँ पर मैंने कुछ गर्ल्स के लिए भी स्पेशली जो कॉलेज है उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये केवल लड़कियों के लिए है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए। ये कॉलेज अगर गर्ल्स जो है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट नंबर पर गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर केवल गर्ल्स के लिए व्यवस्था है और अच्छा कॉलेज है और वहाँ पर प्लेस भी बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। अगला है कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर में है, ठीक है, यह भी केवल गर्ल्स के लिए है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी में स्थित है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। इस तरीके से यहां पर मैंने आप लोगों के सामने टोटल लिस्ट रखी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उसमें सेव कर लीजिए। जब आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से, उस समय जब काउंसलिंग की प्रोसेस होगी तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज हम सिलेक्ट करें। देखिए ये कॉलेज पाने के लिए आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और जो है हो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं, देन आप इसमें से कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। देखिए कॉलेज कभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मन से नहीं पा सकते हैं, ट्रेड अपने मन से नहीं पा सकते हैं, उनको ट्रेड और कॉलेज जो है संस्था देगी। पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे प्रवेश परीक्षा होती है, उसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छा ट्रेड मिले, अभी मैं एक और भी प्लान कर रहा हूं जिसमें आप लोगों को बताएंगे कौन सा ट्रेड ज्यादा अच्छा है, कौन सा ट्रेड आपको चूज करना चाहिए। लेकिन आप चूज कर ले, सपोज आप ट्रेड चूज कर ले, लेकिन ये नहीं है कि आप ट्रेड चूज कर लिए और आपको वही मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आप जो ट्रेड चाहेंगे वो ट्रेड आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी आपको पूरा फोकस करना है कि आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन खूब बेहतर तरीके से करें, जिसमें उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। जितना अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे फिर अपना मनचाहा कॉलेज, अपना मनचाहा ट्रेड आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल मत डरिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।